हेलो, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम रोहिला एंड प्रोफेशनली अ मैकेनिकल इंजीनियर अलोंग विद अ प्राउड डिजिटल नेटवर्कर। सो गाइस, आज की वीडियो भी एक ऑब्जेक्शन ही होने वाली है, एक ऐसा ऑब्जेक्शन जो हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बंदे के सामने आता है कि भाई साहब, अगर वो स्टूडेंट है तो वो बोलता है कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा, अगर वो हाउस वाइफ है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, अगर कोई हस्बैंड है मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा। ठीक है, जब जब ये चीज आती है तो आपको किस तरह से उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। देखो, ऑब्जेक्शंस आर दी अपॉर्चुनिटी। अगर कोई सामने आपके ऑब्जेक्शन रख रहा है, दैट मीन्स वो आप उस ऑब्जेक्शन को एज अपॉर्चुनिटी लेके चलो तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। वही 4 स्टेप, लिसन, ठीक है, फिर रिलेट, फिर अपनी स्टोरी, फिर क्वेश्चन। पहले करना है लिसन। लिसन कब करना है? जब आप एक स्मार्ट क्वेश्चन उससे पूछ लोगे। स्मार्ट क्वेश्चन आपको ढूंढने पड़ेंगे गाइस, वो हर प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग स्मार्ट क्वेश्चन बदल जाते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा आपको। जैसे पहला, आपने किसी स्टूडेंट को बताया, उसने बोला कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा। सो आप वहां पे क्या बोलोगे? आप वहां पे उसको क्या बोल सकते हो कि क्या आपने पहले कभी कोई बिजनेस प्लान अपने पेरेंट्स के सामने डिस्कस किया है? तो वहां से आपको पता लगेगा कि भाई उसकी फैमिली का क्या चीज है, उसने कभी किया है कि नहीं किया। सेकेंड क्वेश्चन, आपके पेरेंट्स आपके हिसाब से क्या बोलेंगे? वो हाँ करेंगे कि ना करेंगे? सो उसका जो रिप्लाई आएगा ना, उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें टिकी पड़ी हैं आपके, कि वो बिज़नेस आपके लिए आपके साथ करेगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसने अगर ये बोला कि मुझे तो लगता है मेरे पापा मना ही करेंगे, ठीक है, अगर उसने ये बोला, दैट मीन्स उसका माइंड अभी यहाँ है। लेकिन उसने बोला कि हाँ मुझे पता है मेरे पापा मना करेंगे, लेकिन मैं उनको समझाऊंगा क्योंकि मुझे बिज़नेस करना है, तो दैट मीन्स उसका लेवल अभी थोड़ा सा खुला हुआ है। ठीक है, अभी हमें देखो, कोई भी नया प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो हमारे लिए एक उल्टे घड़े की तरह होता है। आप कितने भर लो वो साइड से निकल जाएगा। हमें क्या करना है, उस घड़े को उठा के उल्टा कर देना है, सो दैट जो भी हम बोल रहे हैं उसके दिमाग में घुसे। ठीक है, वो कैसे होता है? जब तक दिमाग कैसे खुलेगा? जब तक आप उससे स्मार्ट क्वेश्चंस नहीं पूछोगे। एक स्मार्ट नेटवर्कर स्मार्ट क्वेश्चंस पूछ के बिजनेस ले जाता है। ठीक है, सो आपको भी ऐसे ही करना है। थर्ड क्वेश्चन, अगर आपके पेरेंट्स आपको मना कर देते हैं, तब भी क्या आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड होगे? यहां से आपको पता लगेगा उसका बिलीफ सिस्टम कितना ज्यादा हुआ है अभी तक आपकी कंपनी पे, आपके नेटवर्क पे, आपके प्लान पे और आप। क्योंकि कोई भी बंदा कंपनी बाद में ज्वाइन करता है, पहले वो अपने जो सामने उसका मेंटर बैठा होता है या फिर जो बंदा उसको प्लान समझा रहा होता है, वो उससे कनेक्ट करता है, उसकी स्टोरी से कनेक्ट करता है। फोर्थ क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि जो ये बिजनेस प्लान मैंने आपको समझाया है, जब आप ये अपने पेरेंट्स के साथ समझाओगे, क्या उनको इस चीज की नॉलेज है? आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो उनसे। और यहाँ पे इसके बाद एक चीज और उसके सामने डिस्कस कर सकते हो। देखो, लाइफ में ना जो भी चीज आपको करनी है, जो भी जिस चीज में भी आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो उसके एक्सपर्ट से ही पूछोगे ना। मैं आज लता मंगेशकर से जाके पूछने लगूं कि आप बैटिंग कैसे करते हैं या फिर स्ट्रेट ड्राइव कैसे मारते हैं, तो क्या वो अच्छे बता पाएंगी? या मैं सचिन तेंदुलकर से पूछूंगा, वो अच्छा ज्यादा बता पाएंगे? ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर ही बता पाएंगे ना, क्योंकि वो क्रिकेटर रह चुके हैं। ठीक है, और मैं पूछूंगा सिंगिंग कौन अच्छी करता है, तो मैं लता मंगेशकर से पूछूंगा जाके। ठीक है, सो जो जिस चीज में एक्सपर्ट होता है, आप उससे ही पूछोगे, उसकी ही राय लोगे, तो ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं। फिर आप फिफ्थ उससे बता सकते हो कि देखो, इंडियन पेरेंट्स हैं, ठीक है, कोई भी न्यू चीज को बहुत जल्दी ग्रैप नहीं करते हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उनको उनसे पूछना नहीं है, आपको उनको बताना है, जैसे मैंने किया था। सेकंड में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा रिलेट। आप रिलेट कर दो फटाफट। देखो, आप जब भी किसी भी को बताते हो ना, अपने घर वालों को बताते हो मेरी जॉब लग गई है, वो ये बात में पूछते हैं कि कहाँ लगी है, कैसी लगी है। वो पूछते हैं भाई सैलरी कितनी है, कितना पैकेज है, तो भाई पैसा मांगता। एक और तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, आप उसे क्वेश्चन पूछो कि अगर आपके सामने दो घर हैं, ठीक है, दो घर बिल्कुल सेम बने हुए हैं, एक घर के सामने मारुति सुजुकी स्विफ्ट खड़ी है और दूसरे घर के सामने एक BMW खड़ी है। ठीक है, सो अगर मैं आपसे पूछूं आपके हिसाब से कौन सा घर बिजनेसमैन का होगा, सो आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली अगर उसका दिमाग थोड़ा सा खुला होगा, वो ये बोलेगा कि BMW वाला बिजनेसमैन का होगा। वो एक्चुअलिटी भी है, क्योंकि एक एम्प्लॉय हमेशा एम्प्लॉय रह जाता है और एक बिजनेसमैन एक एम्प्लॉय से खूब सारा काम लेके अपनी BMW आराम से करा लेता है। यहाँ पे पूछना नहीं है आपको, आपके पेरेंट्स से पूछना नहीं है, अपने पेरेंट्स को बताना है कि यस मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ, सो दैट आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रोंग हो। गाइज, इंडियन पेरेंट्स को संभालना बहुत कोई ईजी काम नहीं है। मेरे साथ भी अभी तक ऐसे ही होता है, पापा से पूछता है कोई भी कि भाई साहब बेटा क्या करता है, अजी हमें नहीं पता जी क्या करता रहता है, वो तो पूरे दिन अपने लैपटॉप के सामने रहता है, एक एप्पल का लैपटॉप लिया है कहीं, वो कहीं से पता नहीं कौन सी कंपनी ज्वाइन कर रखी है, कहाँ से उसको लैपटॉप दिला दिए, पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, हमेशा वीडियोज बनाता रहता है, पता नहीं किस किस लोग से बात करने लग जाता है, कभी हिंदी में बात करने लग जाता है, कभी इंग्लिश में बात करने लग जाता है, कभी किसी को बोलता है कि मुझे केरला समझ में नहीं आती, या फिर साउथ इंडियन लोगों से बात करता है, पता नहीं किन किन लोगों से बात करता है। भाई साहब हमें तो कुछ समझ में आता नहीं है, वो करता क्या है पूरे दिन, बस
दिन भर फोन पे लगा रहेगा, पता नहीं किससे बात कर रहा है, इससे बात कर रहा है, इसको वो कर रहा है, अपनी वीडियोस बनाता रहता है पूरे दिन, अब शीशे में खड़े होकर पता नहीं बात करता रहता है, किससे बात करता है, भाई साहब हमें तो कुछ पता नहीं लग रहा, आज तक ही मेरे पेरेंट्स मेरे को ऐसे बोलते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, सबके ऐसे होते हैं, बट वॉट वी हैव टू डू इज हमें कन्विंस करना है उन्हें, ठीक है। हमें कन्विंस कैसे करना है, हमें उनको कॉन्फिडेंस दिलाना है कि यस अगर हम कुछ कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, ठीक है। कि इंडियन पेरेंट्स वो ना ही बोलेंगे, आपको ऐसा करना है, आपको इस तरह से चीजें बतानी है कि वो हाँ बोले और आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखे कि हाँ यार चल बच्चा कर रहा है तो करने देते हैं इसको। अपनी स्टोरी बताओ कि आप इस बिजनेस में कैसे आए, कैसे आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस ही किया होगा, ठीक है। मैं अपनी पर्सनली बात बताऊँ तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं था कि मैंने ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली है, बताया नहीं। जब 2-3 महीने हो गए, कुछ रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया, तब उनको लगने लगा भाई साहब हो क्या रही है, तब जाकर उनको पता लगा कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी टोका नहीं, जो वो कर रहा है करता रहे भाई, तू जो तेरे कुछ ऐसे करना है तो करता रहे। फोर्थ, आपको वही क्वेश्चन पूछना है, इफ आई वुड यू, अगर मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊं जिससे आपके पेरेंट्स एक बार में ही रेडी हो जाएंगे आपके साथ बिजनेस करने में, या फिर आपको इजाजत देने में कि बिजनेस करने के लिए, क्या आप इंटरेस्टेड हो? वो हाँ बोलेगा और डेफिनेटली आपके साथ बिजनेस करने के लिए उतर जाएगा। एट दी एंड हमें क्या करना है, वही काम, वही वाला एग्जाम्पल, आपके दोस्त की शादी हो रही है, डीजे पे आप डांस कर रहे हो और इस बार गाना चल रहा है ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, टी 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 टी, आप डांस कर रहे हो, बहुत मजे में, बहुत एंजॉय आ रहा है, साइड में एक बंदा खड़ा है, आपको पता है वो डांस करने आ सकता है आपके साथ, आप फटाफट उसके पास गए, आपने उसका हाथ पकड़ा, भाई चला डांस करते हैं, बट वो वही बात, अरे भाई मैं नहीं डांस करूंगा, मेरे से बस की नहीं है, कैसा गदर वाला डांस गाना चला रखा है, मेरे बस की नहीं है, देखिए स्टेज टूट रहा है, कहता नहीं गाना कैसा बज रहा है, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, बट आप सुनते थोड़ी हो, आप तो उसका हाथ पकड़ दो और घुमा के उसको नीचे लाते हैं, वो फिर आपसे बढ़िया डांस करके दिखाता है आपको, फिर आपको भी पूछते हैं वाह पूरा मजा डांस, पूरा मजा आता है डांस करने में, है ना। सेम काम यही करना है नेटवर्क मार्केटिंग में, बंदा बाहर खड़ा है इंटरेस्टेड है लेकिन ऑब्जेक्शन देगा, ऑब्जेक्शन आप अभी हाथ तो पकड़ के खींच के ला नहीं सकते उसका, आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस, एक स्मार्ट नेटवर्कर स्मार्ट क्वेश्चंस पूछता है और स्मार्ट स्मार्ट तरीके से ही काम करता है और स्मार्ट रिजल्ट लेके आता है। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि पूरी सीरीज है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जिस भी तरह के ऑब्जेक्शंस होते हैं मैं सबका सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। आप सारी पूरी पूरी सीरीज देखो, इससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा किस तरह से आप लोगों के साथ लोगों के ऑब्जेक्शंस टैकल कर सकते हो और बिजनेस बूम कर सकते हो। जब तक के लिए लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय।